के विज्ञान भवन में आयोजित होगी इन्हीं के नेतृत्व में, क्योंकि ये धार्मिक सद्भावना एवं विश्व शांति केंद्र एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका जनरल सेक्रेटरी हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में। मैं अनुरोध करता हूं आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी से, सम्मानित मंच, सम्मानित सभागार, यह तो एक संत होने के नाते बहुत से कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भी जाने का अवसर मिलता है, किंतु मैं समझता हूं मेरे जीवन का ये एक सर्वश्रेष्ठ आज का कार्यक्रम है, जहां आकर के मुझे आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी बात को कुछ यूं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो सबसे पहले आप लोग जो सब देश के नव निर्माण के लिए लगे हुए हैं, समाज के उत्थान के लिए, मैं आज इस 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर संपूर्ण सैनिक परिवार का अहिंसा विश्व भारती की ओर से, जैन समाज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज इस सभागार के अंदर तीन प्रस्ताव जो पारित किए गए, जिसमें पहला प्रस्ताव था जनसंख्या नियंत्रण का। बंधुओं और बहनों, जब जब भी विदेश यात्रा में जाना होता है और जब हम अमेरिका में देखते हैं वहां की खूबसूरती को और उसकी गहराई में मन में तत्काल ये भाव आता है कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, किंतु उसका जब हम अध्ययन करते हैं, अमेरिका देश जिसकी आबादी इंडिया से 1/4 आबादी है उसकी, जमीन वहां की 3 गुना अधिक है, ऐसे के अंदर बहुत सी चीजें सहजता से सुलभ हो जाती है। हमारे यहां पर एम्बुलेंस ठीक रहती है, किंतु ट्रैफिक जाम की वजह से उस एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज दम तोड़ देता है, किंतु उसको मार्ग नहीं मिल पाता है। यह जनसंख्या के विस्फोट का एक बड़ा कारण है। मैं लंबा समय लिए बगैर उन तीनों ही प्रस्तावों पर, मैं पिछले दिनों सिंगापुर में कार्यक्रम में गया, एक जैन परिवार में संध्या के समय भोजन के लिए गया, मुझे परिचय कराया गया कि मेरा बड़ा बेटा है, संयोग से अभी घर आया हुआ है, बोले इस समय ये ट्रेनिंग ले रहा है सेना की और अभी केवल अवकाश के दिनों में घर आया हुआ है। और अगले दिन जिस परिवार में और गया जैन परिवार में भोजन के लिए, संयोग से वहां पर भी उन्होंने बड़े चाव से बताया कि ये बेटा जो है अभी घर पर आया हुआ है, वरना ये इस समय ट्रेनिंग ले रहा है। बंधुओं और बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हमारे देश का हर नागरिक, जैसे हमारे कर्नल त्यागी जी ने कहा कि ये कोई कारण नहीं कि केवल युद्ध के लिए ही, देश का हर नागरिक जो है वो सक्षम और समृद्ध होना चाहिए, तभी देश खुशहाल बनता है। और तीसरा, जय हिंद की जो बात कही गई, मैं पूरी तरह से इस तीनों ही प्रस्तावों का समर्थन करते हुए, मैं आज के दिन अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, केवल इतना साथ साथ में संत होने के नाते ये भी जोड़ना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा केवल नदियों पहाड़ों या सीमा रेखाओं से ही नहीं, देशवासियों के नैतिक और चारित्रिक बल पर निर्भर करती है। इसलिए हम सबका यह दायित्व है कि देश के अंदर कैसे नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का अभ्युदय हो और उसी से जो है हमारा देश खुशहाल बनेगा। अंत में मैं आप सबके
सैनिकों के प्रति जो हमारे देश की आन बान और शान की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं, और वे सर्वस्व निछावर इसलिए कर पाते हैं, अभी हमारे जनरल साहब जब बोल रहे थे उन्होंने निस्वार्थ की बात कही, मुझे तत्काल एक बात याद आई, हमारे भीतर में तीन प्रकार की चेतना है, एक स्वार्थ की चेतना, दूसरी परार्थ की चेतना और तीसरी परमार्थ की चेतना। आप देश की सेवा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके भीतर का स्वार्थ विकलित हो गया। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है तो उसे परार्थ और परमार्थ की बात दिखाई और सुनाई नहीं देती है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, मैं राजेश भाई को भेज रहा हूं 10 लाख रुपए दे देना। वो कह रहा हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। उसने कहा मैंने जो 10 लाख रुपए दिए थे वो लेने भेज रहा हूं। बोले हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था। उसने कहा ये आवाज तो बड़ी साफ आ रही है, 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता हूं तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है तब तक परार्थ और परमार्थ की बात दिखाई और सुनाई नहीं देती है। मैं आपको सलाम करना चाहता हूं, जय हिंद बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप निस्वार्थ रूप से देश की सेवा में लगे हैं। और अंत में आपके सम्मान में चार पंक्तियां कहते हुए, जब मेरे मित्र कन्हे साधिक साहब जी यहां पर उपस्थित हो गए हैं और इनकी खूब सेवा सहायी चलेगी तो ये मंच पर आए हैं, तो मैं भी चार पंक्तियों के द्वारा आपके सम्मान में ये कहना चाहता हूं कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं फौलादी तीरों का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरंग में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों और भगवानों का नहीं ऐसे बलिदानी वीरों का बनता है। तो मैं सभी आप वीरों का सम्मान करते हुए और मंच को देख रहा हूं, इतनी खूबसूरती है, यहाँ पर हमारे सिख सरदार वेशभूषा के अंदर है, जहां पर कर्नल बख्शी बैठे हो, और जहां पर जो है हमारे पवन सिन्हा जी और सुरेश जी भाई अभी गए, कर्नल साधिक साहब है, और पूरे देश से आई हुई जो यहाँ की खूबसूरती है। मैं अंत में आपको आह्वान करना चाहता हूँ कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चाल कदम सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। आइए बंधुओं, हम अपने आप से अपनी मुलाकात करें, और इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की आन बान और शान के लिए, हमारे भारत देश की मान संस्कृति के लिए, अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, उस बहुत्ववादी संस्कृति को जीवित रखते हुए, और हम जो है इस संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर समय तत्पर रहे, इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।